His father's here to receive the award. Congratulations, sir. And has joined State University of Performing and Visual Arts and is pursuing a bachelor's degree in fine arts. A proud mother's here to. Nitish Chawla got 100 marks in fine arts and 95 in physics. We have Ritika here who got 100 marks in painting. Loud round of applause, ladies and gentlemen. She did well and got 100 marks in painting. संजय भाटिया जी और मैं एक एज ग्रुप के तो है ही हैं, हमारा नाम भी सेम है और कई लोग जो मुझे बड़े अच्छे से नहीं जानते थे उनको लगता था कि जो प्रताप पब्लिक स्कूल है संजय जी आपका है। कई लोग मेरे पास अप्रोच करने के लिए, हमारा किसी को टीचर के लिए, किसी को जॉब के लिए रिक्वेस्ट में, जो मुझे आपके स्कूल की सबसे अच्छी बात लगी, आपने हमेशा सिफारिश को प्रेफर नहीं किया, मैं स्वयं इस बात का गवाह हूं, आपने हमेशा मेरिट को प्रेफर किया, मुझे सबसे अच्छी बात। थैंक यू सर। इस समय हम खड़े हैं प्रताप पब्लिक स्कूल में और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरह से आज एक एनुअल फंक्शन का आयोजन किया गया है, यहाँ पर तमाम जो लोग थे वो यहाँ पर पहुँचे थे और बच्चों की खासी जो प्रस्तुति है वो देखने को मिली। हमारे साथ करनाल लोकसभा से सांसद संजय भाटिया जी मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे, बच्चों का इस तरह से जो प्रस्तुति है वो आगे बढ़ने में बच्चों को काफ़ी मदद साबित करती है जब वो अपने करियर में आगे बढ़ते हैं? बिल्कुल, मैं तो सबसे पहले थैंक्स करना चाहूँगा प्रताप पब्लिक स्कूल की जो मैनेजमेंट है कि मुझे ऐसे मौके पे इन्होंने बुलाया। और सबसे बड़ी बात है कि कलेक्टिव जब पूरा स्कूल इकट्ठा है और जिस स्कूल के अंदर जिन बच्चों की अचीवमेंट्स हैं, चाहे एकेडमिक हैं, चाहे स्पोर्ट्स में हैं, चाहे कल्चर एक्टिविटीज़ में, जिस भी फील्ड में हैं, उनको सबके बीच में जब मंच पे बुलाकर सम्मान मिलता है, मैं समझता हूँ सारे बच्चों को कहीं ना कहीं इस बात की प्रेरणा मिलती है कि वो भी एक दिन इसको अचीव करें। और मैं एक समझता हूँ कि ये स्कूल वाकई में ही
मेरे खास तौर पे लोकसभा क्षेत्र के अंदर, चाहे पानीपत में, यहाँ नीलोखेड़ी में, कुंजवेरा में, काफ़ी इनकी प्रेरणा से काफ़ी इंस्टीट्यूशंस चल रही हैं और सही मायने में ये सोसाइटी की सर्विस कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। और मैं बधाई भी देता हूँ और मैं इनसे आग्रह भी करूँगा आपके माध्यम से भी और अलग से भी, कि कोई ना कोई एक सेवा का काम, कंस्ट्रक्टिव रचनात्मक काम, बच्चों को जिससे प्रेरणा मिले और बच्चों की पार्टिसिपेशन हो। मान लो इनकी स्ट्रेंथ स्कूल की 10,000 स्टूडेंट्स की है, अगर सभी बच्चे एक पेड़ भी टारगेट करके अपने पूरे जो स्कूल छात्र जीवन है उसके अंदर उसको टारगेट करके मैंने एक पेड़ लगाना है, तो कितने बड़े इनकी सोसाइटी को मदद होगी। इस तरह का कोई भी जो भी इनके इंटरेस्ट का विषय होगा, कोई ना कोई मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा। संजय जी, केंद्र में भी आपकी सरकार है, स्टेट में भी आपकी सरकार है, शिक्षा के क्षेत्र में और खेल कूद के क्षेत्र में और इस तरह के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उनके क्षेत्र में सरकार बढ़ावा देने के लिए क्या कदम आने वाले वक्त में उठाएगी? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में मैं कल भी करनाल में था, कल आपसे मेरा मिलना नहीं हुआ। मैं सग्गा गांव में जवाहर नवोदय विद्यालय है, वहां पर हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू जी आए थे, मैं उनके साथ ही आया था। और उन्होंने जो अंडर 14 एक बॉक्सिंग चैम्पियनशिप जिसमें 31 स्टेट्स के बच्चे, इतनी वेल ऑर्गेनाइज थी और जिसमें हरियाणा और मणिपुर के बच्चों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। इस तरह के सरकार नहीं तो पहले कौन केंद्र का मंत्री आकर और छोटे से स्कूल में आकर बच्चों के लिए होगा? तो आज भावना है सबकी, सब लोग चाहते हैं कि कुछ ना कुछ अच्छा हो इस देश को। आज मतलब मैं कहता हूँ कि सही मायने में मोदी जी के बनने के बाद, मैं इसलिए नहीं मैं बीजेपी का हूँ, मैं सांसद हूँ, मेरे को अपने प्रधानमंत्री और नेता की बड़ाई करनी है, एक सोच बनी है, एक परिवार से बाहर इस देश को निकला, नहीं तो अपने तक वो सीमित थे। एक समय था कि हर हफ्ते एक नया नया कोई स्कैंडल सामने आता था। आज पिछले 5 साल में मोदी जी के होते विपक्ष भी इस बात को मानता है कि ग्राउंड लेवल पे हो सकता है आपके मेरे लेवल पर कुछ अधिकारी करप्ट हों, लेकिन फिर भी एक सोच बड़े लेवल पर, चाहे वो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हों चाहे देश के प्रधानमंत्री हों, उनके लेवल पर इसको सप्रेस करने का, करप्शन को सप्रेस करने का प्रयास हुआ है, लेकिन बिना पब्लिक पार्टिसिपेशन के। मैं समझता हूँ जब तक पब्लिक अवेयरनेस नहीं है तो कुछ भी चीज़ संभव नहीं हो सकती। कानून से सारी चीज, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कानून आज थोड़ी बना, वर्षों से था। स्वच्छता का कानून आज थोड़ी बना, वर्षों से था। आप नगर निगम नगर पालिका कहीं जाके देखो, कूड़ा फेंकने में तब भी दंड का प्रोविजन था जो गाइडलाइंस है उसके अंदर, लेकिन लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं थी। लेकिन बीजेपी की सरकार ने कानून की पालना के साथ साथ एक पब्लिक अवेयरनेस कंपेन भी चलाई, जिससे मैं समझता हूँ कि समाज अपने आप को जुड़ा हुआ मानता है। हम इसी तरीके से अपने लोकसभा क्षेत्र के अंदर एजुकेशन का मामला हो, स्पोर्ट्स का मामला हो, हेल्थ का मामला हो, चाहे पर्यावरण का मामला हो, पानी का संचय का मामला हो, पॉलीथीन मुक्त का मामला, हर फील्ड के अंदर एनजीओ का सहयोग लेकर पब्लिक पार्टिसिपेशन करके हम ये काम कर रहे हैं। अभी एक दो दिन के अंदर ट्रायल बेस पे मैंने एक मोबाइल हॉस्पिटल की बात मैंने पीछे की थी, वो गाड़ी मेरे पास पहुंच चुकी है, अभी थोड़ी ब्रांडिंग हो रही है उसकी, आगे फील्ड के अंदर देखेंगे एक्सपेरिमेंटल बेस पे है उसका क्या होता है। ऐसे समोरा का एक गाँव है, वहाँ पर ओवरफ्लो करके पानी लोगों के घरों में घुस रहा है, नालियों का पानी जोहड़ में गया, जोहड़ से ओवरफ्लो करके घरों में आ गया। आज हमने उसकी क्लीननेस का एक एनजीओ को ही काम दिया विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। लाखों करोड़ रुपए लगा के कोई सरकारी योजना सफल नहीं होती, मैं आप जैसे लोगों को रिक्वेस्ट करके उस काम में आगे कर रहा हूँ। तो उम्मीद है सरकार अच्छा काम करेगी आगे भी। ऑनर मिस्टर भाटिया भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्या आज कार्यक्रम था, कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और आगे भी क्या इस तरह के कार्यक्रम होते रहेंगे? ये हर वर्ष हमारे यहाँ ये कार्यक्रम होता है, इसके अंदर हम अपने जो पुराने टीचर्स हैं जिनका एकेडमिक रिकॉर्ड बड़ा अच्छा होता है और उनके जो बच्चे हैं टॉपर्स आते हैं उनको हम ऑनर करते हैं, और जो हमारे बच्चे जो हर जगह अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आईआईटीज में सेलेक्ट होते हैं उनके लिए प्रोग्राम होता है। तो इसको हम एक एनुअल फंक्शन के रूप में मेरिट इवनिंग का नाम दे के हर साल मनाते हैं, और इससे बच्चों को प्रोत्साहन भी मिलता है और उत्साहित भी रहते हैं, और जो दूसरे बच्चे उनको देखते हैं उनके लिए एक मोटिवेशन होती है। तो बच्चों को मोटिवेशन मिलता है इस तरह के जब कार्यक्रम होते हैं, एनुअल फंक्शन होता है तो वहाँ पर बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और उन बच्चों को सम्मानित भी किया जाता है जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में और बाकी क्षेत्रों में अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और बच्चों को भी भरोसा मिल सके, मोटिवेशन मिल सके और वो अपने फील्ड के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस दे सकें। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए करनाल से हिमांशु नारंग।